हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओला S1 एयर के बारे में। तो ओला S1 एयर इंडिया की नंबर वन वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है, जिसकी एक शोरूम प्राइस 85,000 है। इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा S1 या S1 प्रो के रिगार्डिंग, जो कि रेंज का है और थोड़ा लुक वाइज का भी है। अगर आप लोग भी इसे परचेज करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है हब मोटर। इसके अंदर यूज़ करी गई है हब मोटर का यूज़ किया गया है। जो ये मोटर है ये पावर प्रोड्यूस करती है 4.4 किलोवाट की, और 0 से 40 की जो स्पीड है वो कवर करती है 3.4 सेकेंड में। अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 2 किलोवाट की। तो अभी जो ओला है इसकी रेंज प्रोवाइड करता है 101 की, यानी 101 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ट्रू रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी 76 के आसपास की, जो कि प्राइस के हिसाब से ठीक है। और ये रेंज भी आपको प्रॉपर तब देखने को मिलेगी जब आप इसे इको मोड में ज़्यादा चलाएंगे, पूरा इको मोड में इसे यूज़ करेंगे, तब जाकर ये रेंज निकाल के देगी। और नॉर्मल मोड पे तो आपको 60 से 65 की रेंज ही मिलने वाली है। तो ये गाड़ी मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनका डेली का ट्रेवल वगैरह 60 से 50 किलोमीटर का है, तो उनके लिए बेस्ट है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि इसमें और ओला S1 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो रेंज का है, उसके बाद बैटरी का है। उसमें 3 किलोवाट की बैटरी, इसमें 2 किलोवाट की बैटरी है। ओला S1 एयर के अंदर आपको मिलेंगे ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेंगे आपको। इसमें एक चीज़ आपको अच्छी मिलेगी, इसमें आपको डुअल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ओला S1 के अंदर आपको सिंगल सस्पेंशन देखने को मिलता है। और अगर बूट स्पेस की बात करें तो वो भी आपको दोनों में ही सिमिलर मिलने वाला है। इसमें भी सेम है और S1 एयर में भी सेम ही मिलेगा आपको। दोनों की प्राइस में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस 1,22,000 रुपये है S1 की, और ओला S1 एयर की प्राइस 85,000 की है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छी रेंज भी देखने को मिलने वाली है। बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका डेली का डिस्टेंस 40 से 50 किलोमीटर का है तो आप ओला S1 एयर परचेज कर सकते हैं, और 60 से 70 किलोमीटर का है या 100 किलोमीटर का भी है तो आप ओला S1 परचेज कर सकते हैं, नो डाउट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।